नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, पलटू सतगुरु सबद का, तनिक न करे विचार। संत कह रहे हैं, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। कल की चर्चा में यही भाव यहां से निवेदन किया गया था कि ये मनुष्य का शरीर क्या है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, भव पार करने के लिए जहाज है। मन को समेटना क्या है कि जहां जहां अनावश्यक कहीं मन उलझा है, वहां से धीरे धीरे उसको सुलझाया जाए। कई बार यहीं से मैंने आपको निवेदन किया कि हम विचार से ही उलझे हैं संसार में, और विचार से ही व्यक्ति सुलझता है। सही विचार करना आ जाए, सही सोचना आ जाए उसको, और इस बात का तो पुनः पुनः विचार करने की आवश्यकता है। गत सत्र में भी मैंने आपको निवेदन किया था, 10-20 बरस का बिगड़ा शरीर हो ना, तो भी उसको पुनः सही आकार प्रदान करने में वर्षों की मेहनत लगती है। और फिर ये तो जन्म जन्म का बिगड़ा मन है। आप देखो, मन को विषय चिंतन का कितना अभ्यास है, या संसार के चिंतन का मन को कितना अभ्यास हो गया है कि अब सोते जागते वो चिंतन निरंतर होता है। जो स्थिति हम भजन के लिए अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं कि सोवत जागत रटू निरंतर, वो स्थिति अभी इस समय तो हमारी संसार की, संसार का जो चिंतन है, विषय का जो चिंतन है, वो देखो बिना प्रयास के निरंतर होता है, अभ्यास हो गया है। आपको स्मरण हो तो कभी मैंने आपको निवेदन किया था, ये संसार क्या है, बुरी आदत है। और बुद्धिमान लोग कहते हैं कि धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की तो छूटना मुश्किल। एक बात तो गांठ बांध कर रख लेना, भजन के अतिरिक्त कोई भी आदत है वो बुरी है। आदत कोई भी हो, आदत माने आप जाल में फंस चुके हैं। कोई भी दुर्गुण जब जीवन में आता है ना, तो ऐसे ही बहुत थोड़ा सा आता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि पहले वो बूंद आती है, फिर समुद्र का रूप धारण कर लेती। संत लोग उदाहरण देते हैं, अगर आपने कभी वट वृक्ष का बीज देखा हो, देखा है कभी किसी ने बड़ के पेड़ का बीज कैसा होता है, इतना नन्ना सा, इतना नन्ना सा होता है वट वृक्ष का बीज। पर एक बार पड़ गया, एक बार भूमि ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको थोड़ा सा हवा पानी मिला, और फिर देखो जब वो फलता है, कहां कहां तक उसकी जड़ जाती है, कहां कहां तक उसकी उसके तने उसकी शाखाएं फैलती हैं, और भूमि के भीतर भी वो कितना विस्तार कर लेता है। वो नन्ना सा बीज, उसमें वो विशाल वटवृक्ष छिपा है, कोई बुद्धि से इसकी कल्पना नहीं कर सकता, पर ये सत्य है। ऐसे ही कोई भी दुर्गुण जीवन में आता है ना, ऐसे बिंदु सा आता है, थोड़ा सा। कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि चलो ये थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इसमें क्या बुरा है। पर ध्यान रखना, कोई भी बुराई, कुछ भी अनुचित जो है, वो जीवन में ऐसे ही प्रवेश करता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत हल्का सा। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं जैसे बिंदु पड़ता है बस, और लेकिन वो कब सिंधु का रूप धारण कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मन को इतना अभ्यास है, निरंतर विषय चिंतन किया है, और अब ऐसा अभ्यास हो गया है कि अब बिना ही प्रयास के वो होता है। संसार क्या है, बुरी आदत है, ये एक बुरी आदत है बस, और कुछ नहीं है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, अभ्यास। दो ही बात तो कही भगवान ने अर्जुन को, भगवान ने कहा भाई इस मन को टिकाने लगाना है तो दो ही बातें हैं, एक अभ्यास है और एक वैराग्य है। अब वैराग्य तो भाई किया नहीं जाता,
वैराग्य होता है, अभ्यास किया जाता है, वैराग्य होता है, अभ्यास से वैराग्य होगा। जब आप सही वस्तु का अभ्यास करेंगे, जब आप सही विचार का अभ्यास करेंगे, जब आप सही बात का अभ्यास करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप वैराग्य होगा। कल आपको स्मरण हो तो मैंने एक बात आपसे निवेदन की थी, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? धर्म का साधन करने के लिए। धर्म के अभ्यास से वैराग्य आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। ऐसे विज्ञान में एक इक्वेशन होती है ना, ऐसे इसको समझ लीजिए, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, जब धर्म का साधन किया जाएगा, और धर्म क्या है? महाजनो येन गतः सपंथा। धर्म की परिभाषा क्या है? जो जो महापुरुष बता रहे हैं, जिस मार्ग पर महापुरुष चल रहे हैं, वही धर्म है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जासे, वो धर्म है। जब आप धर्म का पालन करते हैं, जब आप धर्म का अभ्यास करते हैं, धर्म अभ्यास की वस्तु है। जब आप धर्म का अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको उस अभ्यास में सफलता मिलती है। किसी भी बात का अभ्यास करो तो धीरे धीरे सफलता मिलती है ना। जब साइकिल चलाना व्यक्ति सीखता है तो पहले वो साइकिल लेता है जिसमें दोनों ओर पहिए लगे रहते हैं, गिर नहीं जाए, लेकिन फिर भी गिरता है, फिर भी गिरता है कभी ना कभी। तो वो बिना सहारे की साइकिल पकड़ता है ना, और जब पकड़ता है तब गिरता है, क्योंकि उसको सहारे से चलने का अभ्यास था, फिर गिरता है। पर लेकिन चलाते चलाते ऐसे ही गिरते संभलते वो एक दिन इतना निपुण हो जाता है, दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाता है। ये सब क्या है? अभ्यास है, अभ्यास है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये जो आप और मैं रोज यहां पर आकर चेष्टा कर रहे हैं, ये क्या है? अभ्यास है। ये सद्विचार का अभ्यास किया जाता है सत्संग में। क्या है? सद्विचार का अभ्यास है। अभी भी देखो, संसार का चिंतन तो दिन भर है, थोड़ी देर के लिए यहां पर आकर हम अभ्यास करते हैं, उस थोड़ी देर में भी मन एकाग्र नहीं होता, थोड़ी देर में भी मन की चंचलता बनी ही तो रहती है। थोड़ी देर में भी बड़ी थोड़ी देर है, जब जब मन लगता है किसी विचार में, किसी भाव में मन लगता है, वो थोड़ी देर में भी बहुत थोड़ी देर है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। धन्यवाद बस इतना ही है भाई, रास्ता मिल गया हमको, हमको ये सतपथ मिल गया, हमको संत की गुरु की कृपा से सदमार्ग मिल गया, यही धन्यवाद है। अब और कुछ मत सोचिए विचारिए, भगवान का दर्शन कब होगा, भगवान कब मिलेंगे, ये सब बात बिना सोचे विचारे बस अभ्यास करिए, साधन का अभ्यास करिए। हमको पता ही नहीं है भाई, हम भीतर से कितने बिगड़े हुए हैं, हमको इस बात की खबर भी नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम कि हम भीतर से कितने बिगड़े हैं। कभी आपको मैंने निवेदन किया था, भाई कुछ दुर्गुण कुछ दोष तो पकड़ में आ गए हैं, कुछ तो अभी आए ही नहीं है। क्या क्या भरा है भीतर, जाने कौन कौन सा बवाल भरा है। जन्म जन्म हमने विषय का सेवन किया है, जो जो जैसे जो नहीं खाना चाहिए वो खाओगे तो रोग होगा ना, और जन्म जन्म से हमने हमने वही पाया है, अब उसी का ही आहार किया है, तो विकृति तो आएगी, स्वाभाविक है। इसलिए भगवान ने कहा, भाई अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? सद्विचार का अभ्यास करो, ये और कुछ नहीं है। मैं रोज आता हूं, आप रोज आते हैं, हम यहां बैठते हैं, कुछ नई कुछ पुरानी बातें बार बार कहते हैं, सुनते हैं, क्या है? ये सद्विचार का अभ्यास है। और कहते हैं ये अभ्यास निरंतर करना है, निरंतर, सतत, निरंतर। भक्ति सदा सतसंग। जो योद्धा होता है, अब युद्ध के मैदान में तो रोज उतरना नहीं पड़ता, लेकिन वो जो उसका शस्त्र है ना, उसका अभ्यास वो नित्य करता है कि जाने कब उतरना पड़ जाए। किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिधि में, सबसे महत्वपूर्ण चीज ही अभ्यास है, अभ्यास। भगवान कह रहे हैं, भाई अगर धर्म का अभ्यास करोगे, अगर धर्म का साधन करोगे, अगर गुरु के पीछे पीछे चलोगे, सेवक जी महाराज क्या कहते हैं ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे
आचार जन जाए अनुसरे। अच्छा, कुछ लोग आचार्य को कोई जातिगत शब्द समझ लेते हैं कि माने किसी कुल में प्रकट हुआ है तो आचार्य है। आचार्य का अर्थ है आचरण करोति इति आचार्य, जो आचरण कर रहा है वो आचार्य है। अगर कृष्ण प्रेम के पथ की कोई आचार्य है तो वो गोपी है, वो बताती है कृष्ण से प्रेम कैसे करना है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि उन गोपियों के चरण धूलि की वांछा करते हैं और ऋषि मुनि क्या कहें, शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुलम लता है सिर धरे वृंदावन रज नित्य। वो गोपियों की चरण रेणु की वांछा करते हैं क्योंकि वो प्रेम मार्ग की आचार्या है। तो कह रहे आचार्यजन जाए अनुसरे, गुरु के पीछे पीछे चले। जो आचार्य है बस उसके पद चिन्हों का अनुसरण करे, इधर उधर न देखे। इत उत चित्त चले नहीं कबहूं, इधर उधर न देखे। इसका अभ्यास करने से क्या होगा, धर्म का साधन करने से क्या होगा, विरति माने जो छूटना चाहिए ना वो छूट जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं ना भाई, आप और कोई विचार मत करो, आप नाम जपो, आप नाम जपो, आप नाम को पकड़ो, आपके लिए जो भला होगा वो आपके पास रह जाएगा, जो आपके लिए अनुचित होगा वो आपसे दूर छिटक जाएगा। नाम की कृपा से, भजन की कृपा से ये सहज हो जाएगा। तो सबसे पहले विचार की दृष्टि से हमको सिमटना है। हमारे हम अपने विचार से ही तो बार बार यहां वहां दूर दूर तक जाकर संसार का स्पर्श करते हैं ना, कैसे कैसे छूते हैं हम। एक बार इस बात का चिंतन करना चाहिए, भाई हम कहां उलझे हैं, विचार से ही तो उलझे हैं। आप हाथ में माला लेकर बैठते हो, आंख बंद की है, हाथ में माला चल रही है, मुख में नाम भी चल रहा है, पर मन कहां कहां विचार में कहां कहां किस किस से उलझ रहा है। सबसे पहले इस वैचारिक उलझन को समेटना है, और इस वैचारिक उलझन को समेटने में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान जो विचार है वो ये क्या है कि भाई मुझे मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, मुझे मनुष्य का शरीर धर्म का, परम धर्म का साधन करने के लिए मिला है, मुझे मनुष्य का शरीर आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। ये मनुष्य का शरीर आत्मघाती बनने के लिए नहीं मिला है, आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। सबसे पहले इस विचार का अभ्यास करिए, बार बार करिए, अपने मन को बार बार ये बात बताइए। पहले मन नहीं सुनेगा, पहले पहले मन नहीं सुनेगा। जब आप पुनः 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 चोट मारेंगे इन शब्दों की अपने मन पे, तब कहीं बड़ी दूर चलने के बाद, बड़ी देर के बाद मन पर थोड़ा प्रभाव पड़ना आरंभ होगा कि हाँ भाई ये जो बार 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 मुझसे कहा जा रहा है ना, ये भी कुछ है, इसका भी कुछ अर्थ है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, भजन कहना और भजन होना, इसके बीच में भजन करना है। और जब आप भजन करते हैं, जब आप साधन करते हैं, तो सफलता तो बड़ी थोड़ी है भाई, बार बार असफलता ही मिलती है। उसी समय स्वयं को साधे रखना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप माला लेकर बैठे हैं, सफलता क्या है? माला लेकर आप हाथ में बैठे हैं, आप जप कर रहे हैं, इसकी सफलता क्या है? सफलता यही है कि ध्यान लग जाए। और असफलता क्या है? ध्यान ना लगे। अब गिनो कि हम कितनी बार सफल होते हैं, कितनी बार असफल होते हैं। आप देखोगे 100 में से 99 बार तो हम असफल ही तो होते हैं, पर करना छोड़ना नहीं है भाई। पिछले सत्र में कहा था ना मैंने आपको, वो दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगी कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ नहीं कुछ आएगा, और हाथ जो कुछ ना आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। जहां पहुंचना चाहिए अभी हम मन नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर सबसे पहले दृढ़ करके ये बात अपने मन में बिठाइए, भाई ये मनुष्य का शरीर जो है ये भजन का साधन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए मिला है। यहां संत कह रहे हैं नाव तो मिल गई, भगवान ने ये नौका तो दे दी उस पार जाने के लिए। कह रहे नाव मिली, पर कह रहे केवट नहीं तो फिर कैसे उतरे पार? और केवट कौन है? करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करिपा। यही बात कबीर कहते हैं ना, यही बात तो कह रहे हैं।
गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी खेवटिया से लगे रहना खेवटिया से लगे रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना। दो ही तो चीजें ना, एक नाव है और एक केवट है, ये दोनों मिल जाए तो उस पार लगने में देर नहीं है। लेकिन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कह रहे नाव पुरानी भी हो लेकिन अगर चलाने वाला कुशल हो तो वो किनारे लगा देता है, और सब सुख सुविधाओं से युक्त जहाज हो लेकिन चलाने वाला नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है, चलाने वाला नहीं तो फिर किसी काम का नहीं। बड़ा सुंदर शरीर है, सबल शरीर है, प्रभु ने कृपा करके बड़ा सुंदर सबल शरीर दिया है, पर सद्बुद्धि नहीं है तो अंतिम परिणाम क्या होगा, इस शरीर को विषय की अग्नि में ले जाकर व्यक्ति स्वयं झोंक देगा। ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है, वो ध्यान से सुनना ये बात, रूप हो, गुण हो, बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, यदि आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है और आपके जीवन में सुमति देने वाला कोई नहीं है तो आपकी प्रतिभा ही आपके पतन का कारण बनेगी। मोटी बुद्धि से इसका गणित लगाइए, अगर आप अधिक रूपवान हैं, अगर आप अधिक रूपवान हैं तो आपके लिए मार्ग और फिसलने वाला हो गया ना। कोई भी विशेष प्रतिभा आपके पास में है लेकिन उस विशेष प्रतिभा के साथ यदि सुमति नहीं है, सुमति देने वाला कोई आपके जीवन में नहीं है, तो आप देखना कि वो प्रतिभा ही पतन का कारण बनेगी। मैं तो कहता ही हूं, शक्ति बढ़े लेकिन भक्ति न बढ़े तो व्यक्ति इतना मदांध हो जाता है कि उसको नारायण में भी नर दिखता है। सारा परिवार समझा रहा है रावण को, और मंदोदरी जो परम सती हैं, वो परम सती हैं, परम साध्वी है, वो बार बार कहती है कि नाथ ये जिनसे आप उलझ रहे हैं ये साक्षात नारायण हैं, लेकिन रावण को नारायण में भी नर दिखता है। वो कहता है ये दो वनवासी मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैं त्रिलोकी का अधिपति हूं, काल को मैंने अपने सिंहासन के पाए से बांध रखा है, इंद्र आदि देवता ये हाथ जोड़कर दिन रात मेरी वंदना करते हैं, और ये दो वनवासी ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। शक्ति तो है पर भक्ति नहीं है, तो बिना भक्ति के किसी भी प्रकार की शक्ति बढ़े, वो बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, कुछ भी हो, वो मदांध कर देगी और प्रतिभा ही पतन का कारण बनेगी। इसलिए ध्यान रखना, आपके जीवन में कुछ हो ना हो, कोई हो ना हो, लेकिन आपके जीवन में कोई सुमति देने वाला संत जरूर होना चाहिए जो आपको सुमति दे सके, वो आपके जीवन में हमेशा हो। मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूं ना, एक यही बात प्रभु से मांगिए, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। मंदिर जाए बिना चलेगा भाई, किसी दिन मंदिर नहीं जाओ चलेगा, किसी दिन ध्यान में नहीं बैठो तो भी चलेगा, पर संत के बिना काम नहीं चलता है। वही बात कह रहे हैं, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार, बड़ी सुंदर नाव तो मिल गई पर केवट नहीं है। और वहां कबीर कहते हैं भाई केवटिया से लगे रहना, वही पार लेकर जाएगा। नाव पुरानी है तो क्या हुआ, पर वो चलाने वाला वो बड़ा कुशल है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। हाँ, ये दोनों बानक बन जाएं तो फिर कह रही है दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो कहते हैं कि कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे, और लगे नहीं बैराग यार कैसे कह पावे। अब जहां थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना, दो बातें भगवान ने कही, अभ्यास और वैराग्य। पर अभ्यास कराएगा कौन, चलना भी कोई सिखाता है ना, उंगली पकड़कर चलना सिखाता है कोई, फिर जब आप नहीं चल पाते, फिर जब आप गिरते हैं, फिर वो आपको संभालता है। अच्छा, संभालने वाला केवल शरीर से ही नहीं संभालता, मन से भी संभालता है ना। देखो, बच्चा चलते चलते जब गिर जाता है और उसको चोट लगती है तो माता या पिता जो भी उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखा रहे, वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वो बालक का मनोबल बढ़ाते हैं,
बच्चा तो गिरा है, पर वो बालक का मनोबल बढ़ाते हैं। यदि मनोबल बढ़ाने वाला कोई न हो तो बालक कभी पुनः उठकर चलने का प्रयास ही नहीं करेगा। ऐसे ही साधक है। कल तभी तो मैं आपको कह रहा था कि भाई जितनी ममता माता के मन में होती है ना, उससे कई गुना अधिक ममता संत के मन में होती है जीव के लिए। वो जब पतन के गर्त में पड़े हुए जीव को देखता है ना, उसको बड़ी दया आती है, वो बड़ा व्याकुल होता है। उसकी उसी कृपा और करुणा का दर्शन करके ही भगवान कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, पर उपकार देह धरणम। हम हमारे महाप्रभु जी के लिए नित्य गाते हैं ना, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, पर उपकार विचार। उसके मन में दया आती है, फिर जब जब जीव चलता है फिर गिरता है, फिर वो उसको उठाता है, उसका मनोबल बढ़ाता है। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था भाई, कभी मन हो जाए ना इधर उधर, हो ही जाता है, कभी मन इधर उधर हो जाए तो बस मैं तो ऐसे ही किसी संत के चरणों की छांव में जाकर थोड़ी देर बैठ जाता हूं, फिर आ जाता है मन, टिकाने आ जाता है मन। कहा था मैंने आपसे, वो प्रेरणा भी देगा, वो पहले आपको प्रेरणा देगा, वो आपको प्रेरणा से भरेगा। पहले आजकल लोग जाते हैं मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए, आजकल बहुत सुनाई पड़ते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स। पर मैं तो सोचता हूं कि भाई जब तक आपका लक्ष्य पवित्र नहीं है, आपका उत्साह कितने दिन टिकेगा, कितनी देर टिकेगा? अगर आपका लक्ष्य ही स्थिर नहीं है, और संसार में तो कुछ भी स्थिर नहीं है, संसार ही स्थिर नहीं है, यही सरक रहा है धीरे धीरे, संस्कृति थी संसार है। तो यहां तो भाई जो खेल है ना थोड़ी देर का है। एक बात समझ लो, संसार में जो है थोड़ी देर का है, कच्चा है, पक्का कुछ नहीं है। यहां पर है तो पर यहां का हर रंग कच्चा है, थोड़ी देर में उतर जाने वाला है, थोड़ी देर में, देखते ही देखते उतर जाएगा। एक संत कहते हैं कि ए लाली उड कपूर देवांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन परावना है। जिस चेहरे को देखकर आज बड़ा गर्व होता है, देखते ही देखते पड़ जाएंगे ना झुर्रियां, इसमें उड़ जाएंगे बाल, सफेद हो जाएंगे, वो झांकी भी तो देखने को मिलती है खुद को। तो है तो यहां रूप भी है, गुण भी है, पर थोड़ी देर का है, थोड़ी सी देर का। और जो वस्तु थोड़ी देर की हो, जो वस्तु थोड़ी देर की हो, आप ही देखो, जो संबंध थोड़ी देर का हो उसको व्यक्ति कभी नहीं बनाता। अगर जान ले कि संबंध थोड़ी देर का है तो नहीं बनाएगा। लोग वर की और कन्या की कुंडली मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं ना भाई, कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी, सब अच्छा रहेगा ना, सब ठीक रहेगा ना। मनुष्य तो अपनी ओर से कई कई जन्म का प्रयास करता है, सब व्यर्थ है, सब ये सब झूठ है, ये सब छल है, सब व्यर्थ है। जन्म जन्म का साथी तो एक ही है, मनुष्य का जन्म जन्म का, जीव का जन्म जन्म का साथी एक है। पक्का संबंध बनाना है तो फिर उससे बनाइए। आप चाहें कि ऐसा रंग चढ़े जो उतरे नहीं, तो फिर हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। ये कितनी अच्छी बात श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जहां हित आगे और हित लागे फीको। हित तो यहां भी है, थोड़ा घना है, पर उसके सामने फीका है, उसके सामने फीका है। के हित कीजे साधु संगति सो। जब कोई संत के शब्द गाए जाते हैं ना, तो उच्च स्वर से गाया करिए, संत की वाणी मंत्र होती है। के हित कीजे संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी
है श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, हित कीजे बिहारी सो, और निभाए जाने जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। तुमको चाहो ना कि पक्का रंग चढ़े, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी ना उतरे। ऐसे गा तो देते हैं हम, थोड़ी देर नाच भी लेते हैं, होली आई तो गा दिया दो चार दिन के लिए, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी ना उतरे। और धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, आत्मा तो भाई वही रंग चाहती है ना, जो चढ़े तो उतरे नहीं। वो हम कई बार गाते हैं ना, मोहे सुहागन की नीरी मोसे नैना मिलाए के। सुहागन माने सौभाग्यवती, जिस पर प्रभु की दृष्टि पड़ी, जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ी। आपको स्मरण हो गत सत्र में मैंने कहा था, वो देखकर स्पर्श करते हैं, वो देखकर ही किसी को अपना कर लेते हैं। जिस पर उसकी कृपा दृष्टि पड़ी, जिसे प्रियतम ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा। पलटू साहब कहते हैं, का जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर, साहेब ताके मोर मेहर की नजर निहारे। जाने वो घड़ी कब आएगी जब प्रियतम मुझे वो प्यार भरी कृपा भरी मेहर भरी नजर से देखेगा। साहेब ताके मोर मेहर की नजर निहारे, अरे तब जीव सौभाग्यशाली होता है, तब ये आत्मा सौभाग्यवती होती है, अखंड सौभाग्यवती। या किसी को देते रहो आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव, कोई होता है? कोई नहीं होता है। यहां की बात भी झूठी है, यहां का काम भी झूठा है, सब झूठा ही झूठा है, ये सकल पसारा झूठा है। और झूठ के पीछे लगे रहो, कब कब तक लगे रहोगे, कहां तक लगे रहोगे, क्या पाओगे, इसका विचार तो करना चाहिए ना भाई। झूठ है, कब तक लगे रहेंगे इसके पीछे, कहां तक लगे रहेंगे। संबंधों में भी, जीवन में भी आपको खबर पड़ जाए कि भाई अमुक व्यक्ति मन से हमारे साथ नहीं है, ये केवल कहता है पर ये मन से हमारे साथ नहीं है, आप बताओ उससे संबंध निभाने में कोई रस रह जाता है? आपको पता चल जाए एक बार कि भाई ये व्यक्ति केवल कह रहा है लेकिन ये हमारे साथ में है नहीं, कोई रस रह जाएगा जीवन में? कोई रस नहीं रह जाएगा, संबंध में कोई रस नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई इस सद्विचार का अभ्यास करिए, बताइए बार बार अपने मन को, बताइए कि तू दौड़ तो रहा है इस संसार के पीछे लेकिन यहां की हर बात, यहां का हर काम झूठा है, झूठा। जगत में झूठी देखी प्रीत, बोले प्रीत तो देखी जगत में, प्रीत तो देखी पर झूठी देखी प्रीत। सच्ची कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, हित कीजे बिहारी सो, और निभाए जाने जी को कमल नयन सो, कमल। महाप्रभु कहते हैं, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दर्भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। दर्भी समझते हैं? करछी, मेरे हाथ में करछी है फिर भी हाथ जला रहा है, ये मनुष्य का शरीर मिल गया बोले फिर भी दुख पा रहा है। अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। और अभ्यास से ऊर्जा उत्पन्न होती है, अभ्यास से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब किसी क्रिया की, जब किसी शब्द की, जब किसी भाव की पुनरावृत्ति की जाती है ना, तो उसमें ऊर्जा प्रकट होती है। आप देखो वो चकमक पत्थर होते हैं, अग्नि प्रकट की जाती है ना उससे, अग्नि तो उसमें है, सुप्त अवस्था में है, उन दोनों को आपस में बार 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 घसकर अग्नि प्रकट कर दी जाती है। ये जो पुनरावृत्ति है, जिस शब्द पर आज हम चर्चा करें, अभ्यास ये शक्ति उत्पन्न कराने वाला है। अभ्यास से शक्ति उत्पन्न होती है, निर्बल सबल बनने लगता है अभ्यास करते करते। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जो जड़ है उसमें चेतन का संचार होने लगता है अभ्यास से। अभ्यास ऐसी वस्तु है,
इसलिए मैंने आपको कहा जब आप और मैं यहाँ पर आकर बैठते हैं ना, तो इस सद्विचार का अभ्यास है। कुछ नई बातें होंगी, कुछ पुरानी बातें होंगी, कुछ कहा गया होगा, कुछ अनकहा होगा, पर यह है किस लिए? सद्विचार का अभ्यास है। अपने मन को अभ्यास कराना पड़ता है, इसी का नाम साधन है, इसी का नाम पुरुषार्थ है, यही उपासना है। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना का अर्थ है पास जाकर बैठना। अगर उपासना का जो शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? पास जाकर बैठना। उपासन, उप माने समीप, आसन माने जाकर बैठना। उपासना का अर्थ है पास जाकर बैठना। अभी मन कहाँ है? संसार के पास बैठा है। भगवान के पास जाकर, प्रभु के पास जाकर बैठने का नाम उपासना है। मैले कुचैले मन से तो प्रभु के पास जाया नहीं जा सकता, उसके लिए मन को तैयार करना, इसी का नाम उपासना है। तो कहते हैं कि लगे नहीं वैराग यार कैसे कह पावे। वैराग्य तो हुआ नहीं, वैराग्य क्यों नहीं हुआ? वैराग्य किसका फल है? धर्म साधन का फल वैराग्य है, पेड़ पर लगा हुआ फल नहीं है। लाल पीला कपड़ा पहना वैरागी हो गए, ऐसा वैराग्य नहीं। करें लगे नहीं वैराग, लग जाए वैराग, हो गया। और कह रहे जब तक लगे नहीं वैराग यार कैसे कह पावे, अरे प्रियतम कैसे मिलेगा, प्रियतम कैसे मिलेगा? कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, पहले काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। पहले अभ्यास, अभ्यास के प्रतिफल वैराग्य। अब अभ्यास बिना गुरु के कैसे हो? बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं, ऐसा कहते हैं ना, गुरु के बिना गति नहीं। गति माने चलना। करे कोई इस मार्ग पर गुरु के बिना चल ही नहीं सकता, उसकी गति नहीं होगी। इसलिए कल आपको मैंने निवेदन किया था, भाई गुरु मिल गया है, अब और कुछ पाना नहीं है। जो मिलना था वो तो मिल गया, अब तो होगा, जो होगा जब होगा तब होगा। खोना पाना कुछ नहीं है, अब करना धरना कुछ नहीं है, गुरु के हो जाना है। न किसी ने हंस के पाया है और उसको न किसी ने रो के पाया है, जिसने उसको पाया है वो मुर्शिद का हो के पाया है। तो गुरु का हो जाना है, गुरु के हो गए। सेवक जी ने अपना मन दे दिया, मन ही मन हितजू के हो गए। श्री चतुर्भुज दास जी ने कहा सेवक जी महाराज से, किसी महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र आचार्य पीठ पर सुशोभित हैं, चलिए उनसे चल के मंत्र ले लीजिए। सेवक जी महाराज ने कहा मुझे मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मंत्र की आवश्यकता नहीं, मंत्र नहीं चाहिए मुझे, तो वो चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए। ऐसी 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 परिष्कृत रुचि हो, ऐसी परिष्कृत रुचि कि भाई अब उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। इसे ही कहते हैं गुरु का हो जाना। बस सेवक जी बिना कुछ विचारे हो गए। कल आपसे कह तो रहा था मैं कि भाई यही तो है अपने प्राणों की बाजी लगा देना, यही है अपने प्राणों की बाजी लगा देना, अपना अपना सर्वस्व रख दिया गुरु के चरणों में। और एक और बात मैं आपसे कहूं, इसी को गुरु का मिलना कहते हैं। अगर ये बात मन में नहीं आई, ये बात जीवन में नहीं आई, फिर या तो गुरु नहीं मिला या आप अभी शिष्य नहीं हुए। फिर या तो गुरु ही नहीं मिला है या फिर आप शिष्य नहीं। और ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, छोड़ना नहीं पड़ता है भाई, सब छूट जाता है। ऐसी प्रेम जंजीर डालता है सतगुरु, सब छूट जाता है, विवश हो जाते हैं आप। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर, तेरा ही सरूर। अरे कोई छोटी बात है गुरु का मिल जाना? कोई छोटी बात है ये तो जन्म जन्म की बिगड़ी बनाने वाली बात है। पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर, तेरा ही नूर। और गुरु के मिलते ही ये जीव जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। सेवक जी को हितजू मिले,
कहते हैं जब श्री सेवक जी महाराज आए गढ़ा से वृंदावन, तो कह रहे मार्ग में जहां जहां जिस मार्ग से सेवक जी आए, जिस जिस पर सेवक जी की दृष्टि पड़ी, वो गाने लगा, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है ना, कोई माता पूछती है कि महाराज बालक कैसे भजन करे, कोई बहन पूछती है कि भाई पति कैसे लगे भजन में। सब प्रश्नों का एक उत्तर है, आप करिए भजन। भजन ही किसी को भजन में लगाता है। तभी संत का गुण बताते हैं, आप जपे और औरा नाम जपावे। पहले आप जपे फिर जपाए, पहले आप जपे। भजन लगा देता है किसी को भजन में। ये सब भजन की ही कृपा है। पिछली बार मैं आपको कह तो रहा था, करत करावत आप ही और पलटू पलटू सोर। मुझसे भया न होएगा साहेब करता मोर। कभी कभी अपना भाव लिख कर लोग देते हैं ना, तो वो कुछ लोग अपनी अपनी जीवन गाथा लिख कर देते हैं, कैसा जीवन था, कहां पड़े थे और सत्संग कहां पर ले आया, किसकी महिमा है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। और मैंने तो भाई एक नहीं, अब तो मैंने जीवन में अनेक अनेक उदाहरण देख लिए अपनी आंख से, कहां पड़ा हुआ जीव कहां पहुंच जाता है। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल और मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। कहा ना होई सत्संग ते, गुरु मिले तो यही घटना घटती है। अठे पैर चढ़या दाता तेरा ही सरूर है, तेरा ही सरूर है। अच्छा, हम तो लाभ लश्कर के साथ जाते हैं ना मंदिर जाएं कभी, तो श्री सेवक जी महाराज तो आए, वो तो प्रेम मग्न थे, उनको तो देह की सुध नहीं थी। कहते हैं कि जब मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर का एक एक कण बोल उठा, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनावे। मुझे तो भाई काल क्रम में ये घटी घटना एकमात्र घटना लगती है, इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, कि किसी के मुख से बस नाम सुना और नाम सुनकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसी के मुख से बस नाम सुना, आचार्य का नाम श्रवण किया है। रसखान जी ने भी श्रीनाथ जी का चित्र देखा था, चित्र देखकर आकर्षित हो गए थे। पर यहां तो और अद्भुत बात है, सेवक जी ने केवल नाम सुना और अपना अपना रोम रोम अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया, उस नाम पर न्यौछावर कर दिया। मंदिर में जब आए तो मंदिर का कण कण बोल उठा, निनादित हो गया मंदिर। श्री वनचंद्र महाप्रभु सेवा में थे श्री जी की, और देखा कि राधा वल्लभ लाल के नेत्र चलने लगे। ऐसा कौन आया है आज मंदिर में, ऐसा कौन दर्शनार्थी आया है कि जो परस्पर दो चकोर दो चंदा, हमारे प्रिया प्रीतम कैसे हैं, दो चकोर दो चंदा, जो परस्पर एक दूसरे के मुख चंद्र की माधुरी का ही सतत निरंतर अवलोकन करते हैं, वो प्रिया प्रीतम परस्पर का दर्शन करना छोड़ और कहीं देख रहे हैं किसी को, कोई आया है मंदिर में। पंचम महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए, जब देखा कि वही होंगे ये जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जब गुरु मिलता है तो ऐसा होता है। सेवक जी को गुरु मिला, सतगुरु मिला तो सब मिला। और इसी को कहते हैं गुरु का हो जाना। मैं बार बार आपसे कहता हूं, इससे कम गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता, नहीं देना चाहिए। मैं कितना भी आपको बता दूं, मैं कितनी भी सुंदर व्याख्या यहां क्यों ना कर दूं, लेकिन मैं फिर भी वो नहीं कह सकता कि गुरु शिष्य को क्या दे देता है, गुरु का मिलना क्या है। मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। जब ये बात आती है तो मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे कहा जाए। कब से जीव भटक रहा है, कब से कहां कहां भटक रहा है। और फिर एक एक क्षण में कोई ऐसी घटना घटती है, कोई मिलता है और जो हाथ पकड़कर, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को
मिल जाए तरुवर की छाया। सही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बस ऐसे ही त्रिताप से तपा जीव और गुरु मिला। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले नाथे। सतगुरु अपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग मानी। गाइए। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर तेरा ही सरूर। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर तेरा ही सरूर। पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर तेरा ही नूर। पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर तेरा ही नूर। जदों दा असी तेनू पा लिया अपना लिया दुख भूल गए ने सारे। मैं ता बस हुन जी रहिया इक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरे सतगुरु प्यारे। रात सुना दाता तेरिया कहानियां तेरिया कहानियां। दिन रात सुना दाता तेरिया कहानियां तेरिया कहानियां। दिन रात सुना दाता तेरिया कहानियां तेरिया कहानियां। दिन रात रब नू मिलाया तेरिया बड़िया मेहरबानिया बड़िया मेहरबानिया। रब नू मिलाया दाता बड़िया मेहरबानिया बड़िया मेहरबानिया। जदों दा असी तेनू जानिया रंग मानिया वेखे अजब नजारे। मैं ता बस हुन जी रहिया इक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रहिया इक तेरे सहारे। मैं ता बस हुन जी रहिया इक तेरे सहारे।
हुन जीवैया इक तेरे सहारे। तो वो ध्यान से सुनना, कह रहे लगे नहीं बैराग यार कैसे कह पावे। जब तक लेश भी रहेगा वासना का, तब तक प्रेम की सुवास प्रकट नहीं होगी। इसके लिए निरंतर सतत अभ्यास अपेक्षित है, और अभ्यास बिना गुरु के आश्रय के संभव नहीं। छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने आपको कि जब कोई साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, उसको उसको सबसे पहले भी आश्रय की आवश्यकता है, कोई आधार चाहिए उसको, फिर वो गिरेगा। जब अभ्यास करेगा तो गिरेगा, चोट लगेगी, कभी कम कभी अधिक, पर ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन निपुण हो जाएगा, एक दिन प्रवीण हो जाएगा। हाँ, पर ये बात सदा स्मरण रखने योग्य है कि वैराग कोई देह के धरातल पर घटने वाली कोई घटना नहीं है। धर्म पालन का फल वैराग्य है, धर्म ते विरति। जब आप गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे, और हमारे महाप्रभु जी ने हमें क्या मार्ग दिया है, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जब आप गुरु दत्त गुरु प्रदत्त उपासना मार्ग का अनुष्ठान करोगे, आप देखोगे धीरे 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 उत्पन्न होता है, भीतर से उत्पन्न होता है संसार से वैराग्य। जो जो कल बड़ा महत्वपूर्ण था, अब आप देखोगे कि आज भीतर से कुछ भर गया है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। कल कुछ चाहिए था, कल किसी के पीछे पगलाए बौराए डोल रहे थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नारद जी ने कहा अलब्धवापमान अमृतो भवती सिद्धो भवती तृप्तो भवती तृप्तो भवती। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, संत सदगुरु की कृपा से ये तृप्ति मैंने अपने जीवन में धीरे धीरे आती देखी। धीरे धीरे ये तृप्ति आती है, भर जाता है मन भीतर से। फिर संत कहते हैं ना, सुरत कलारी भई मतवारी, और मदवा पी गई बिन तोले मन मस्त भया अब क्या बोले। भर जाता है मन भीतर से, भर जाता है, तृप्त तृप्तो भवती। जाहि लहे कछु लैन की चाह नहीं में हो। कुछ ऐसा मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया, अब कछु लैन की चाह नहीं में हो, अब कुछ और नहीं चाहिए। कभी भोजन करते करते इतना पेट भर जाता है ना, आप कोई कहता है भाई अब नाम भी मत लो, अब नाम भी मत लो। ऐसे हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं सुधा निधि में, अलम विषय वार्तया, मन ऐसा प्रेम से भरा है, बोले इसकी तो बात भी मत करो। अब देखो संसारी व्यक्ति को विषय की वार्ता कितनी अच्छी कितनी मीठी लगती है, घंटों व्यक्ति संसार की चर्चा प्रपंच की वार्ता में लगा रहता है, करता रहता है। मैं देखता हूं सुबह से लेकर रात तक उसी उसी प्रपंच की बात करने वाले करते हैं, कितनी मीठी लगती है वो बात। बुला बुला कर किसी को अपने पास बुलाएंगे, बैठाएंगे, चाय और पिलाएंगे, किस लिए भाई, चलो थोड़ी गप मार लेते हैं, थोड़ी संसार की बात कर लेते हैं। इसे ही तो कहते हैं विषय का रस, यही तो विषय का रस है। बड़ी मीठी लगती है संसार की वार्ता, पर कुछ ऐसा मिल गया, हमारे महाप्रभु कह रहे हैं अलम विषय वार्ता, बोले इसकी तो बात भी मत करो, ये शब्द कान में भी न जाए। नरक कोटि विभत्सया, कह रहे विषय की वार्ता हमको कैसी लगती है, कोटि नरकों के समान विभत्स घृणित। कल उसी में पड़े थे, गुरु मिला पहले ये मन काग था करता जीवन घात, और अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। ये किसकी बलिहारी है, सदगुरु की बलिहारी है, बलिहारी गुरु आपने, ये गुरु की बलिहारी है। पहले मन काग था, हम भी वैसे ही थे भाई, हम भी वहीं से ही आए हैं। संसार की वार्ता संसार की चर्चा अच्छी लगती थी, और अब अपने जीवन में ये घटना घटती हुई हमने देखी, तभी तो मैं बड़े बड़े विश्वास के साथ भाव और भरोसे के साथ आपको ये बात कहता हूं, भाई नाम जपो और कुछ मत विचारो, नाम जपो, जपते रहो, रटते रहो, गाते रहो, ध्याते रहो, जो बन पड़े आप करो, पर नाम को मत छोड़ो।
आप अपने जीवन में ये कौतुक देखोगे, आप अपने ही मन को काग से हंस होता हुआ देखोगे। मज्जन फल पेखिए तत्काला, दोनों ही बातें सत्य हैं। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि किसी की निंदा करना क्या है, कह रहे मूर्ख पर्वत पाप को और ले चले वो अपने साथ। अरे पाप का पर्वत अपने सिर पर ढोना है किसी की निंदा करना, और उसमें भी अगर किसी संत की, किसी साधक की निंदा हो जाए तो फिर तो महाराज वाणी में कहते हैं संत की निंदा नानका और बहुर बहुर अवतार। उसे तो बार बार इस जन्म और मरण के द्वंद में, दुष्चक्र में पड़ना पड़ता है। और देखो, मैं देखता हूं कि अबोध व्यक्ति अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण क्या दुर्दशा जीव की हो जाती है, उसी में सुख लेता है। जैसे शुकर को विष्ठा में सुख मिलता है, और इस काग जैसे मन को हंस बनाने वाला कौन है? मैं नीवी मेरा सतगुरु चा, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद। तो आज का सूत्र समझ लेना, दो बात भगवान ने कही है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य आएगा किससे? अभ्यास से। किसका अभ्यास? धर्म का अभ्यास। धर्म क्या है? जो गुरु ने, आचार्य ने उपदेश किया है वो हमारे लिए वही धर्म है। शास्त्र में भी ब्राह्मण के लिए धर्म कुछ है, षटकर्म ब्राह्मण का धर्म है कि वेद पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए, दान दे और दान ले, ये ब्राह्मण के लिए धर्म है। क्षत्रिय का धर्म कुछ है, वैश्य का धर्म कुछ है। हमारा लिए धर्म क्या है? जो हमारे आचार्य ने आज्ञा की है हमारा वही धर्म है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, हमारा ये धर्म है कि सतत निरंतर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इस धर्म पालन का फल क्या होगा? संसार से सहज वैराग, सहज वैराग्य। बड़ा सुंदर है ये सहज वैराग्य, ये बड़ा सुंदर है। मथते मथते दही को, मथते मथते, देखो कोई घटना घटती है ना आंखों के सामने, दही को मथते मथते माखन एक और हो जाता है, छाछ एक और हो जाती है। अच्छा फिर वो मिलाए मिलते नहीं, छाछ के बीच में पड़ा रहे ना माखन का लौंदा, तो छाछ में मिलता नहीं। ऐसे ही जब मंथन करते करते मन न्यारा हो जाता है विषय के चिंतन से, फिर खूब पड़ा रहे संसार में, फिर नहीं मिलता उसमें, फिर नहीं मिलता। मथते मथते जब मन न्यारा हो जाता है विषय के चिंतन से, अलग हो जाता है, फिर नहीं मिलता उसमें जाकर। ये जो आप और मैं यहां कर रहे हैं ना, ये मंथन है। एक सिरा मेरे हाथ में, एक आपके हाथ में। कोई कथन कर रहा है, कोई श्रवण कर रहा है। इस कथन श्रवण का परिणाम, ये कथन श्रवण क्या है? मंथन। इसका परिणाम क्या होगा? मन विषय के चिंतन से धीरे धीरे न्यारा हो जाएगा। यही सत्संग की महिमा है। फिर खूब रहो संसार में। महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, श्री महाप्रभु जी ने एक श्लोक में कहा है ना कि भाई माला चंदन धारण करें न करें, वेद विधि का पालन करें न करें। महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं कि जिनकी मति पारंगत हो गई है राधाकांत के भाव में, जिनका मन लीला रस चिंतन में निपुण हो गया है, कुशल हो गया है, बोले वो बहिर्मुखी व्यक्ति के संग भी रहे तो भी उसके भाव को कोई हानि नहीं होती। जड़ नीके गए तो फिर कोई चिंता नहीं। एक बार मन उस विषय के चिंतन से न्यारा हो जाए। हाँ, पर एक बात यहां पर बड़े ध्यान देने की है। ये बड़ा अच्छा उदाहरण कहते सुनते हमारे हाथ में आ गया। वो जो मंथन की प्रक्रिया है ना, अगर उसको कोई बीच में छोड़ दे, फिर न दही है, न छाछ है, न माखन है, फिर वो कुछ भी नहीं है। बीच में नहीं छोड़ सकते हैं आप। अब मंथन करने बैठ गए हो तो फिर तो भाई माखन निकाल कर ही उठना पड़ेगा। ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसे थोड़े दिन सत्संग कर लिया, फिर थोड़े दिन संसार में भी घूम फिर लिए, ऐसा करने से फिर कुछ हाथ नहीं आता है। फिर इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। यही कल मैं आपसे कह रहा था, भाई गुरु मिल गया, गुरु के चरणों पे माथा रख दिया, अब इधर उधर मत देखो, अब तो माखन निकाल कर ही उठना है, अब तो सार वस्तु को प्राप्त करके ही उठना है, अब जो होगा फिर देखा जाएगा। इसी को कहा कबीर ने
कि भक्ति करे कोई सूरमा, फिर पीछे नहीं हटे फिर। अरे आज मैंने आपसे पुनः पुनः कहा भाई गिरोगे, जब चलोगे तो गिरोगे, चोट लगेगी कभी कम कभी अधिक, पर फिर उठना फिर चलना। गुरु के वचन का, गुरु के शब्द का, गुरु के भाव का, गुरु के सिद्धांत का, गुरु के संग का, गुरु के प्रसाद का, गुरु की कृपा का अवलंब लेकर फिर चलना, फिर चलना। वेद भगवान कहते हैं चरैवेति, रुकिए मत, चलते रहिए, रुकिए मत, निराश मत होइए, चलिए। बैठ गए ना श्री सेवक जी महाराज, बैठ गए बस उस नाम का आश्रय लेकर। उस समय तो कोई ऐसी विधि भी नहीं थी कि भाई चलो दूर से कोई चित्र दिखा दो, उनका दर्शन करा दो। आजकल तो लोग संतों के पास भी जाते हैं तो अपने घर वालों के लिए वीडियो कॉल कर देते हैं, बोले दर्शन कर लो लो। मुझे तो ये सब कभी समझ में नहीं आता। मंदिर जाएंगे तो बोले ठाकुर जी का दर्शन कर लो। एक बात आपको बताऊं, वो जो वीडियो कॉल पर आपको दर्शन होता है ना, उससे कहीं अधिक सुंदर दर्शन की विधि तो ये है कि बस जरा गर्दन झुकाई और देख ली, दिल के आईने में है तस्वीर यार, नेत्र मूंद करके राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, ऐसे दर्शन करना हो तो फिर ऐसे दर्शन करो। कुछ कुछ नहीं था उस समय तो, पर बैठ गए बोले अब तो उठूंगा नहीं, जब तक वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती तब तक नहीं उठूंगा। देह तो छूटेगी पर नेह ना छूटेगो माई। इसी के लिए कह रहे हैं भक्ति करे कोई सूरमा। संसार भी है, कर्तव्य भी है, व्यवहार भी है, और ये कोई प्रतिकूलता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारे आसपास प्रतिकूलता है, व्यवहार है, दुविधा है, इससे घबराना नहीं। खुरदरे पत्थर पर ही घिसा जाता है चंदन की लकड़ी को, तभी उसकी वास्तविक सुवास, उसका रंग, वो द्रव्य प्रकट होता है जो भगवान के श्रीअंग पर लगता है, इसको प्रभु को निवेदन किया जाता है, वो प्रभु के अंग की शोभा बढ़ाता है, अंगराग बनता है वो। पर खुरदरे पत्थर पर घिसी जाती है वो चंदन की कोमल लकड़ी। ऐसे ये जो झंझट है, जो दुविधा है, प्रतिकूलता है, ये समझ लो ये वही खुरदरा पत्थर है, इस पर चलना, धर्म न छूटे, अपने गुरु का सिद्धांत नहीं छूटे। और मैं तो सार की बात कहता हूं भाई, बार बार कहता हूं, नाम न छूटे, नाम ना छूटे, बस नाम को पकड़ लीजिए। मैं तो आपसे हजार बार आप सुनने आओगे तो मैं 1001 बार आपको यही बात कहूंगा भाई, नाम, नाम का आश्रय पकड़िए। यही कली कर्म न धर्म विवेकू, और कुछ काम नहीं आएगा भाई, कुछ काम करेगा नहीं, चलेगा नहीं, किसी भी और विधि से काम नहीं चलेगा, नाम का आश्रय लीजिए। औखद मंत्र तंत्र सब छाड़, करणे आर हृदय में धार। महाराज कह रहे अवर उपाव सब त्यागया, अरे मैंने सब उपाय छोड़ दिए। अवर उपाव सब त्यागया, दारू नाम लिया, ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन भया। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या। मैं कई बार आपको कहता हूं ना, अपने मन से बात करो, अपने मन के गुरु बनो। अपने मन को पहला पाठ क्या पढ़ाना चाहिए? पहला पाठ, जगत सुख मान मिथ्या। बताओ अपने मन को। कभी कभी बच्चा किसी बुरी सी चीज को लेने की जिद कर लेता है, वो चीज अच्छी नहीं है, बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, उचित नहीं है, पर बालक हट कर लेता है केवल उसका आकार देखकर कि भाई यही वस्तु चाहिए। मन अटक जाता है बालक का, हट कर बैठता है बालक,
पर माँ पिता अनेक अनेक प्रकार से बालक को समझाते, ना बेटा ये वस्तु तेरे लिए अच्छी नहीं है, ऐसे ही मन अटका है संसार में, बस यही तो खेल है। संसार का आकार देखकर, हार्ड जाम देखकर अटक जाता है मन, यहां तो बिना ही परिचय के प्रेम हो जाता है, किससे हो जाता है भाई प्रेम। और एक छोटी सी कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको, वो विदेश की सच्ची घटना, वो किसी महिला के सुंदर बाल और दांत देखकर कोई पुरुष चल पड़ा पीछे। वो महिला बड़ी बुद्धिमान थी, उसने कहा ठीक है आना मिलूंगी मैं तुमसे। अब उसने वो बाल और दांत रख दिया उसके सामने, इन्हीं को देख कर तो आए हो आप, इन्हीं से ही तो प्रेम है आपको, ले जाओ मेरे पास तो दूसरे हैं, ले जाओ। संसार में भाई ये हार्ड चाम का ही तो आकर्षण है, और क्या है, और क्या है, टटोल कर देखो इसके पीछे क्या है। इसलिए अंत में दुखदाई है, अंत में क्या, ये आरंभ में भी दुखदाई है, मध्य में भी दुखदाई है, अंत में भी दुखदाई है। जैसे ही वासना की अग्नि प्रज्वलित होती है, जीव तपता है, तपने लगता है। अच्छा मिल जाए, थोड़ी देर के लिए वो वस्तु मिल जाए तो असंतोष और बढ़ जाता है। डोंगरे जी महाराज तो ये बात कहा करते थे, बोले कि सुख का मार्ग जो है वो भोग से जाता ही नहीं, वो तो त्याग से ही जाता है। जब छोड़ दोगे उस वस्तु को तभी सुखी होगे, ध्यान रखना। जिस वस्तु में आपकी सुख बुद्धि है, आपको लग रहा है, आपको भ्रम है कि ये वस्तु पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, उस वस्तु को छोड़ देने पर ही सुखी होगे। पाकर कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो पाओगे, उसके त्याग से ही जीवन में सुख आएगा। अगर सुखी होना है तो चयन आपका है, आपकी इच्छा के बिना आपको कोई दुखी भी नहीं कर सकता, आपकी इच्छा के बिना आपको कोई सुखी भी नहीं कर सकता, आपका चयन है, आपका निर्णय है। आपको यदि सुखी होना है फिर यही रास्ता है, छोड़ दीजिए। केवल दौड़ने और भागने से कुछ नहीं मिलता, व्यक्ति दौड़ भाग करता है ना कुछ कुछ पाने के लिए। बड़ी अच्छी बात मुझे कहीं लिखी हुई मिली, अच्छी लगी मुझे, यानी सब कुछ दौड़ने और भागने से ही नहीं मिलता, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जगह बैठ जाने से भी मिल जाती, जैसे शांति, विश्राम। और वहां लिखा हुआ था परमात्मा भी, परमात्मा भी ऐसे ही गुरु के चरणों में बैठ जाने पर मिल जाता है। बैठ गए भाई, अब दौड़ भाग नहीं करनी है, खूब कर लिया। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, कहीं तो आकर आपको संतोष करना ही पड़ेगा, कहीं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा भाई बहुत कर लिया, अब कहां तक करेंगे, कितना करेंगे, कहां तक करेंगे। कोई एक बार थोड़ी पैदा हुए हैं हम, कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे, कब तक ही करेंगे भाई ये सब। इसी का नाम वास्तविक वैराग्य है। जब जब संसार की अस्थिरता, क्षणभंगुरता, संसार के सत्य का बोध हो जाए, जब जब रुचे नहीं, इसकी बात भी नहीं रुचे, कैसे महाप्रभु ने कहा अलम विषय वार्ता है, इसकी बात भी मत करिए। बहुत बहुत आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों में बहुत विस्तार से समझाया है भाई, संसार का सुख ऐसा है, विषय का सुख ऐसा है। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे अलम विषय वार्ते, मुझे इसकी बात ही नहीं करनी, ये बात करने योग्य ही नहीं है। महाप्रभु कह रहे ये विषय चर्चा करने योग्य ही नहीं है, मुझे इसकी कोई बात नहीं करनी। कभी लिख कर भेज देते हैं ना यहां लोग अपने प्रश्न, कोई कहता है काम बहुत सताता है, क्रोध बहुत सताता है, भाई मुझे इसकी बात ही नहीं करनी, मैं तो ये कहूंगा ही नहीं आपसे ये क्या है क्यों है, मैं तो कह रहा हूं नाम जपो, दिया जलाने से अंधेरा दूर होता है भाई, बस ये सीधी सी बात है। दीपक बारा नाम का, कबीर कहते हैं ना घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, सुने मंदिर दियरा बरत है आसन से मत डोल रे, नाम मिला है मेरे जी गठरी में, हीरा पाया गांठ गठी आया, अब बार बार या को क्यों खोले, अब तो रटते चलिए, गाते चलिए, ध्याते चलिए। तो पहला पाठ मन को क्या पढ़ाना है, माया का संग त्याग, हरि जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो
सब साज है। राम सिमर राम सिमर यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूं। मेरे पास एक कांच का टुकड़ा था, बहुत सालों तक मैं उसको रत्न समझता रहा, बहुत संभाल कर अपने पास में रखा, ताले में रखा, भाई कहीं खो ना जाए, बड़ा मूल्यवान होगा। अब असत्य को एक ना एक दिन तो कसौटी पर उतरना पड़ता है। संत कहते हैं भाई पाप हो पुण्य झूठ हो सच एक दिन प्रकट हो जाता है। अब एक दिन ऐसे किसी जोहरी के हाथ में मैंने दिया, मुझे लगा था कि भाई बड़ा ही मूल्यवान होगा, इनका कितने का होगा, बोले 500 रुपए का। अब जब मुझे उसका मूल्य पता चल गया कि ये इसका मूल्य तो ये है, अब उसी दिन से उसके प्रति जो आदर था, उसके प्रति जो आकर्षण था, उसकी जो महत्ता महिमा आदर मेरे मन में था, सब खत्म हो गया। किसी जौहरी ने आकर ये बता दिया भाई तो कांच है, ये कांच के टुकड़े से अधिक और कुछ नहीं है, इतना ही मोल है इसका। ऐसे ही संत सदगुरु जीवन में आके आपको ये बता देते भाई ये कांच है, जिसको आप इतना संभाल कर रखते हो, जिसकी ओर इतना आकर्षण है, खींचे चले जाते हो बार बार जिसकी ओर, इतना इतनी महिमा इतना आदर जिसका है, ये कांच का टुकड़ा है। चिंतामणि हरि नाम है सफल करे सब काम। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पास एक आए ना ब्राह्मण, जिन्होंने कुछ अनुष्ठान उपासना करके कुछ समय के लिए पारस मणि प्राप्त कर ली थी, खूब तीर्थ किया, दान धर्म किया, प्रभु की कृपा से स्वामी जी के चरणों में पहुंच गए। महादेव ने उनको आज्ञा कर दी थी कि जो ये पारस मणि को लेना अस्वीकार कर दे उसी को गुरु बनाना, वही तुम्हारा कल्याण कराएगा। अब जब पारस मणि की बात आती तो जो गुरु होता वो चेला बनने को भी तैयार हो जाता। घूमते घूमते कृपा हुई श्री जी की, वृंदावन धाम आए, श्री स्वामी जी के चरणों का दर्शन हुआ। स्वामी जी ने कहा कि पहले उस पारस मणि को श्री यमुना जी को निवेदन कराओ, जाओ, समझ गए कि यही गुरु हैं, यही सदगुरु हैं जो मुझे भव पार कराएंगे। अच्छा, उन्होंने पारस मणि तो यमुना जी में डाल दी, लेकिन वो जो पारस मणि का आदर था ना, महिमा थी उसकी, वो मन में बना रहा। ये बात मैं आपसे अभी कह रहा हूं, बड़ी देर से मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं, सच्चा वैराग्य क्या है, जब मन से संसार का आकर्षण समाप्त हो जाए, जब आपको पता चल जाए भाई ये कांच है, कोई बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं है। मैं आपको अपनी ही बात निवेदन करूं कि हमको भी ऐसा लगता था कभी कि हम जो कर रहे हैं इससे किसी का कल्याण हो रहा है, इससे जनमानस का कल्याण हो रहा है, पर जब हमको संसार के वास्तविक स्वरूप का गुरु कृपा से किंचित बोध हुआ, जब दर्शन हुआ, तो कहा नहीं भाई ये पता नहीं ये कितना अनंत विस्तार है, कितनी बार बना बिगड़ा, बनता रहेगा बिगड़ता रहेगा, ये तो अपना ही कल्याण हो जाए बस यही पर्याप्त है, तो है बिगानी का परी अपनी निबेड़, अपना कल्याण हो जाए। समझ आ गया भाई, यहां कुछ हो जाए तो भी शून्य है, न हो जाए तो भी शून्य है, यहां बने तो भी नहीं है, बिगड़े तो भी नहीं है, ये पसारा तो कुछ और है, इसकी ओर मत देखो, इसकी ओर मत देखो। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, इसकी ओर मत देखिए, जो सच्ची वस्तु है उस पर दृष्टि डालिए, जो आपकी है। पराई वस्तु पर दृष्टि डालना वैसे भी पाप है, महाप्रभु कह रहे ना पर धन पर तिय बंचु, साधक को पर धन और पर स्त्री, पुरुष के लिए पर स्त्री, स्त्री के लिए पर पुरुष, कह रहे पर धन पर तिय बंचु, इससे बचकर रहना। अब मैं विचार करता हूं भाई कौन पर है कौन अपना है, अब इसका विचार करो तो भाई सभी तो पराया है, अपना कौन है, अपना कौन है। सुनेरी मैंने
निर्बल के बलराम। चलो चलो यही हिसाब लगा लो, अपने पराये का ही कर लो। आचार्य कह रहे हैं भाई पराई वस्तु से दूर रहना, फिर ढूंढने निकलोगे तो सभी पराया है भाई। अपना तो अपना शरीर भी नहीं है, ये भी अपना नहीं है, धोखा दे देता है, ये भी धोखा दे देता है, ये भी अपना नहीं है। फिर अपना क्या है, कौन है, कहां है, फिर तो हारे को हरि नाम। अपनी वस्तु का संग्रह करिए, अपना ही सुख देता है भाई, पराया सुख नहीं देता। ये सारी दौड़ होड़ अपना बनाने के लिए तो है किसी को, पर कोई अपना है नहीं भाई, बन भी नहीं सकता। समझ आ जाए ये बात, बुद्धि में बैठ जाए, इसी को कहते हैं सहज वैराग्य। जब संसार का स्वरूप समझ में आ गया, फिर मौज से रहता है संत यहां पर। उसको समझ में आ गया माखन अलग हो गया, अब पड़ा रहेगा छाछ में, लेकिन न्यारा रहेगा, रहेगा संत यही संसार में, इन्हीं गलियों में डोलता आपको मिलेगा, आपके जैसा ही कपड़ा पहनेगा, आपके जैसा ही भोजन करेगा, आपके जैसे ही उठेगा बैठेगा खाएगा पिएगा, पर न्यारा है वो भीतर से न्यारा है, सबसे न्यारा। बात समझ में आ गई, कहे लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, जब तक कि अपने पराए का बोध ना हो जाए। विद्या का जो भी पढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, इसका फल क्या है, अंतिम फल क्या है भाई, विवेक जग जाए, विवेक की प्राप्ति हो जाए। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो जाए, विमल प्रकाश। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो।